दादी माँ के घरेलू नुस्खे। नंबर 1, गुड़ की चाय ना फटे इसके लिए आप पहले चाय को अच्छी तरह पका लें, फिर गैस बंद करें, उसमें गुड़ का पाउडर डालकर लगातार चलाते रहें। इसके बाद इसे कप में निकालें तो आपकी चाय कभी नहीं फटेगी। नंबर 2, चावल बनाते समय इसके पानी में 1 चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल दें। इससे चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगे और एकदम सफ़ेद बनेंगे। नंबर 3, इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज या चिप्स बनाने के लिए आलू को पतले पतले स्लाइस में काट के इन्हें बर्फ़ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद फ्राई करें। नंबर 4, पुरानी या बची हुई ब्रेड को पीस कर एयरटाइट डब्बे में रख लें। इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में करें, वह टूटेगी भी नहीं और टेस्टी भी बनेगी। नंबर 5, कई बीमारियों में कुछ भी खाने का स्वाद नहीं मिलता है, साथ ही कुछ खाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन ऐसे समय में मेवे का सेवन आपको अंदरूनी मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इससे आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होती है और आपकी भूख भी मिट जाती है। तो आज के टिप्स इतने ही हैं। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे टिप्सों के साथ। आप लोग वेट करिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।